ये रहा, ये बाल ले लो। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। और न्यूज़ ये है कि पेट्रोल मिल जाएगा और आसानी से मिल जाएगा, किसी लाइन में लगने की ज़रूरत ही नहीं है। अस्सलामुअलैकुम स्टडी माशा, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़ों में होंगे, खेल खिलाते होंगे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ट्रैवल पेशा बाय आतिफ। आज का प्लान कुछ इस तरह से है कि मुझे अपनी रिकॉर्डिंग के लिए बैकग्राउंड के लिए कुछ लाइट्स चाहिए, तो वो लाइट्स इस तरह की कुछ फोकस लाइट्स चाहिए ताकि जो अगर वो पीछे से मेरे फेस के ऊपर पड़े तो आप लोगों को एक क्रिस्पी अच्छी सी वीडियो देखने को मिले। तो उस हवाले से आज का मेरा प्लान है कि मैं नीली को लेकर चला जाऊं और देख लूं मार्केट में कि मुझे अगर ये मिल जाती है और मैं इसको रिकॉर्डिंग को बेहतर से बेहतर कर सकूं। तो मैं बिल्कुल अब तैयार हो चुका हूं और नाश्ता कर लिया है और अभी मेरा निकलने का प्लान है आगे। जब तक एक शॉट में या कोई भी सीन हो या पिक्चर हो वो परफेक्ट अच्छा सा ना बने तो तब तक मैं मुतमइन नहीं होता, तो उसके लिए मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे इंडोर की इतनी सारी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आज जहाँ तक व्लॉग का रिकॉर्ड करने का है तो मुझे आइडिया है उसका और वो मैं करता हूँ आप लोगों के सामने। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि हर दूसरे दिन या नेक्स्ट डे एक व्लॉग जो है वो मैं अपलोड कर सकूँ। तो अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें और बन जाइएगा ट्रैवल पेशियन। और व्लॉग जाहिर है अगर आपको अच्छा लगा तो बेशक फिर आप लाइक करना मत भूलें। जी हाँ, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आप अभी देख लें जो रेड है सब्सक्राइब लिखा है, हाँ बिल्कुल यही, इसको आप ग्रे कर दें और लाइक वो भी आपको दिख रहा है तो प्रेस कर दें। अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा तो फिर डिसलाइक ऑप्शन है, लेकिन वो आपकी मर्जी। कल मैंने थोड़ा सा काम किया था वैसे डेकोरेशन लाइट पे, और कुछ पत्ते मुझे ये आर्टिफिशियल मिल गए थे घर में मेरे पास, तो उसके ऊपर मैंने कुछ एक बेल्ट सी होती है जिसके ऊपर छोटी छोटी लाइट्स होती हैं, तो वो डेकोरेशन लाइट्स पे कल मैंने काम किया। तो बैकग्राउंड में आप लोगों को यही मिलेगा और इसके ये स्विच है तो इसने कनेक्ट होना है, और ये कुछ लड़ियाँ फूलों की तो ये भी मिल गई हैं। और अभी इसी हवाले से मैं इंडोर चाहता हूँ कि मैं अपनी इंडोर जो व्लॉग है रिकॉर्डिंग्स हैं उनको बेहतर करूँ, क्योंकि वाइट लाइट तो खासी है मेरे पास रूम में, मुझे कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी शायद डार्कनेस वाली लुक आती है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बैकग्राउंड में भी कुछ लाइट्स हों या नीचे इस तरह कुछ लाइट्स आएँ ताकि वीडियो को और मज़ीद अच्छा से अच्छा बनाया जा सके। मैंने आप लोगों को कल ही मेरे ब्लॉग में बताया था कि 25th ऑफ नवंबर को जो है वो पेट्रोल जो है वो मालिकान की तरफ से सप्लाई बंद कर दी जाएगी, और अभी की सूरत हाल आप देखें तो ये पेट्रोल पम्प जो PSO का, इवन इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ से सप्लाई होगी लेकिन यहाँ पे बंद है, तो ये देखें और लोग लाइनों में लगे हुए हैं। अभी मुश्किल काम यहाँ से ये है कि यहाँ से मैं जैसे तैसे भी हो मैं निकल जाऊँ। टॉल बॉय के साथ मेरी ज़्यादातर रिकॉर्डिंग रही और इंडोर रही, तो आज मैंने सोचा कि मार्केट से जिस तरह आप लोगों ने देख लिया होगा इंट्रो में कि मुझे कुछ रिक्वायर्ड है, तो उस हवाले से मैं आज नीली को बाहर ले आया हूँ और सोचा आप लोगों को मोटो ब्लॉग भी दिखा दूँगी, क्योंकि मुझे खुद ही जो शौक़ है वो मोटो ब्लॉगिंग का है और बाइक पर बैठ के आप लोगों से बातें करना और 2-in-1 फैसिलिटी देना, यानी आपका फ्रंट का व्यू क्या है वो भी आप इंजॉय करो और साथ में क्या कहा जा रहा है, क्या स्टोरी है वो भी आप इंजॉय करें। तो अभी चलता हूँ मैं मार्केट में और देखता हूँ कि मुझे लाइट्स और वॉलपेपर्स जो हैं वो कहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पे होते हैं शरीफ, और जैसे उनका नाम शरीफ है तो उनके काम भी बड़े शरीफ होते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने बोया का जो माइक है उसकी जो बैटरी है, यानी उसका जो सेल है वो मैंने चेंज करवाना है। और उसका बड़ा पल आपका बाप।
प्रीवियस तो जो बैकग्राउंड की लाइट्स की मैंने बात की थी, उन लाइट्स को लेने के लिए मैं आ चुका हूँ मार्केट में। और इस मार्केट को खैबर मार्केट कहते हैं और ये पेशावर में कारखानों मार्केट है। और कारखानों मार्केट के हवाले से इंशाल्लाह जब पेशावर पे मैं मेगा व्लॉग्स बनाऊंगा तो उसमें इंशाल्लाह इस मार्केट को भी कवर करूंगा। वैसे इस खैबर मार्केट में क्या क्या मिलता है, तो मेरा तो अपना जो मकसद था वो लाइट्स का ही था कि मैं यहाँ से लाइट्स लूँ, लेकिन मुझे बताया गया कि इस मार्केट में क्रॉकरी भी मिल जाती है, इसके अलावा कॉस्मेटिक्स का भी यहाँ पे जो वैरायटीज़ हैं डिफरेंट वो भी अवेलेबल हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे चाहिए लाइट्स, तो अभी लाइट्स के लिए मैं सर्च करता हूँ कहाँ से मुझे मिल सकती है। मेहनत का काम तो अभी शुरू हुआ है क्योंकि मुझे ये बताया गया है कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की जो एसेसरीज़ हैं वो मिलेंगी, और अगर आपको ये वाले लाइट्स चाहिए तो आपको जाना है इलेक्ट्रिक की जो मार्केट है वहाँ पर जाना है। सो मैं खैबर मार्केट से अभी निकल रहा हूँ, और कोई मुझे बताया गया कि नीचे की तरफ 5 से 6 मार्केट्स हैं, वहाँ पे आपने ये चेकआउट करना है। तो चलिए, थोड़ी स्ट्रगल और मेहनत वाला फेज़ जो है वो शुरू हो जाता है। फूड स्टॉल की सिनेमैटिक ले रहा था लेकिन उन्होंने कहा कि हमें भी कवरेज दे दें, तो ये भाई साहब है इनको कवर कर रहा हूँ। और वैसे मुझे लगे बड़े अच्छे ये, लेकिन अब मसला ये है कि मैंने भरपूर किस्म का नाश्ता किया, आप लोगों ने देख लिया होगा ब्लॉग में, तो अब मैं नाश्ते की सबब यहाँ पे कुछ खा नहीं सक रहा हूँ, लेकिन इनको कवरेज ज़रूर दे रहा हूँ। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह इस मार्केट को मैं कवर करके दिखाऊंगा आप लोगों को, कारखानों मार्केट। और मुझे जो लाइट्स की तलाश है उसके बारे में बताया मुझे कि आप जाएंगे खैबर मार्केट में, तो मुझे वो लाइट्स नहीं मिली। लेकिन जब मैंने मार्केट का पूछा कौन सी मार्केट है, तो उन्होंने बताया कि आप जाएंगे और बिजली वाली कोई भी लाइट्स वाली मार्केट है उसका नाम आप लेंगे तो आपको वहाँ से ये सारी वैरायटी मिल जाएगी। अभी जिस मार्केट में मैं आ गया हूँ, वैसे आम अल्फाज में इसको बिजली की मार्केट कहते हैं, लेकिन इसका भी मैंने नाम पूछा है तो इसको यूनाइटेड मार्केट कहते हैं, कारखानों मार्केट में यानी पेशावर में। तो अभी मुझे शायद अपनी जो लाइट्स हैं वो मुझे वहाँ से मिल जाएंगी। वो कहते हैं ना जी कि पत्थर तो बहुत हैं लेकिन मुझे शेर से मतलब है, तो शेर का मतलब मेरा ये कि जो लाइट मैं ढूंढने आया, जो लाइट मुझे चाहिए थी, वो लाइट मुझे अभी तक यहाँ पे नहीं मिली। काफ़ी तगो दो मेहनत की लेकिन मुझे वो लाइट यहाँ पे नहीं मिल सकी। मैं वैसे एक शॉप की मालूमात लेने के लिए ड्राई फ्रूट की शॉप पे गया, तो उन्होंने कहा आप ये भी पूछें और साथ में आप ये भी चख लें। तो ये जी मुझे थोड़े से बादाम मिल गए, मैं इनको चखता हूँ। और वैसे जो गोप्रो जिससे अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो गोप्रो मैंने कहाँ से लिया था, वो मैंने यहाँ से लिया था। मेहमान नवाजी की इंतहा है यहाँ पे, और जो भी कहवा पी रहा है तो मुझे पूछते हैं, चाय पी रहे हैं तो वो भी मुझे पूछते हैं। और जब इंशाल्लाह मेगा पेशावर व्लॉग बनेंगे तो फिर इन सब चीज़ों को मैं कवर करूँगा कि यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ पे फूड कैसा है, यहाँ की हेरिटेज ट्रेल कैसी है। तो इंशाल्लाह ये सब आप लोगों को फिर मैं डिटेल में इंशाल्लाह दिखाऊँगा। मार्केट से रिटर्न होके आशीष टिप्पणी यह है कि मुझे दो जो हैं वो सफलता यानी दो सक्सेस मिली हैं और दो मुझे जो है वो नाकामी मिली है। दो नाकामी जो मेरे दो मेन काम थे, वो दो मेन काम इस तरह थे कि मुझे बैकग्राउंड में कुछ लाइट्स चाहिए थी, वो जो मुझे चाहिए थी वो नहीं मिली, और इसके अलावा मुझे कुछ वॉलपेपर चाहिए कुछ डेकोरेशन के लिए, वो मुझे नहीं मिली, और उसके लिए मैं यहीं पर आ रहा हूँ नीचे। और इसके अलावा कुछ घर में एक दो आध चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी वो मिल गई, तो जो चीज़ रिक्वायर्ड थी वो नहीं मिली और जो रिक्वायर्ड नहीं थी वो मिल गई है। और न्यूज़ ये है कि पेट्रोल मिल जाएगा और आसानी से मिल जाएगा, किसी लाइन में लगने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पेट्रोल डलवा ही लेता हूँ, मज़े आ गए मज़े। मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरे पास कंटेनर में कुछ चाहिए मुझे 8 लीटर का पेट्रोल, तो वो मैंने ले लिया था कल ही। लेकिन मेरे एक फ्रेंड हैं, उनको मेरे व्लॉग के थ्रू पता चला,
तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपके पास पेट्रोल है तो मुझे दे दें। तो खैर मैंने हाफ से ज़्यादा उनको दे दिया था, तो अभी भी जब मुझे मौका मिला तो मैंने उसका फ़ायदा लिया, और वो फ़ायदा कुछ इस तरह कि मैंने भी पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल डलवा लिया। तो इट्स अ ग्रेट न्यूज़। और जाना है मुझे बैंक और ATM, तो वहाँ से पता है ऑब्वियसली। आज के दिन का जो सबसे अच्छा आउटकम है वो ये रहा कि मुझे अपने बोया माइक के लिए ये बैटरी मिल गई। ये मैंने नया सेट डलवा लिया और ये मैंने बैकअप में रख लिया है। घर पहुंच के बड़ी ज़ोरों की भूख लगी थी और सोने पे सुहागा। जब घर पहुंचा मुझे चावल मिले। मेरा मामूल है, मैं डेली वॉक करता रहता हूँ। ऐसे तो मैं एक लंबा रूट लेता हूँ एक्सरसाइज के लिए, दो जगह, एक साइड पर जाता हूँ और कभी कभी दूसरे साइड पर। लेकिन आज बाहर रहा, व्लॉग भी बाहर बना ज़्यादातर, तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि अपने घर के पास ही छोटा सा पार्क है तो वहाँ पे आज की जो वॉक है मैं कर लूँगा। और वैसे बाय द वे यहाँ पे बॉल आ गया बच्चों का, अब पता नहीं बच्चा कब आएगा इसके पीछे, देखते हैं कोई यहाँ से उठता है कि नहीं उठता। हेलो, ये रहा ये बाल, ले लो। आई एम बैक होम और नहीं मिली, तो फाइनली मुझे वो लाइट्स और वॉलपेपर्स नहीं मिले। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ थी उसकी वजह से मैं मज़ीद उसकी उन लाइट्स की सर्च में ना जा सका। लेकिन ये इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द एक अच्छी सी डेफिनेशंस मिलेंगी और एक चेंज आपको मिलेगा मेरे बैकग्राउंड में, और ये चीज़ें चेंज होने वाली हैं। सो आई होप यू विल एंजॉय ऑल माय ब्लॉग्स, और आई होप कि पिछले जितने ब्लॉग से आप लोगों ने एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, आज का ब्लॉग यही तक रखते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, टेक केयर, गुड बाय, मा सलामा एंड बूम।